अब दिख रही स्क्रीन? अब दिख रही स्क्रीन आपको? आवाज आ रही है मेरी? सर यहाँ पे आपके साइड से दिखा रहे हैं नेटवर्क इशू। अच्छा ये सर हाँ, अब दिख गई स्क्रीन। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इस कंपाउंड को कहते हैं आइसोमर, और इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब बता दिया था सेम, और मेरोस का मतलब होता है पार्ट, सेम पार्ट, एक ही पार्ट से। इसके दो टाइप थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी डिफाइन यही है, और सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल के फोर टाइप्स होते हैं, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। हाँ ऐसा हो सकता है, फिर वीडियो की वजह से ही हो रहा होगा। एक मिनट, अब दिख रहा है? नो सर, लोड हो रहा है। ये हाँ सर दिख गया। इसमें है स्ट्रक्चरल के फोर टाइप से। पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब जैसे उसे डिजोल्व करेंगे वाटर में, वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। कैसे फॉर्मड होता है? इसमें एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स हो जाते हैं। एक बार जो काउंटर आयन में होता है वो आपका कोऑर्डिनेशन में चला जाता है, जो कोऑर्डिनेशन में होता है वो आयोनाइजेशन या काउंटर पार्ट में चला जाता है। ये दोनों अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, इसकी वजह से ये बनता है आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड इसमें होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर से है कि जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? कोऑर्डिनेशन स्पीयर में और आयोनाइजेशन स्पीयर्स में। यहाँ पे 6 है, यहाँ 0 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन स्पीयर में, उसे कहेंगे हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। इसी की तरह होता है सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म। सॉल्वेशन में वाटर को छोड़ के कोई अदर सॉल्वेंट के साथ वही केस है कि नंबर ऑफ अदर सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ अदर सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्पीयर। जैसे यहाँ पे अमोनिया है सॉल्वेंट, यहाँ अमोनिया अंदर 5 है, इससे पहले अमोनिया यहाँ पे 6 था, यहाँ 0 था, यहाँ 5, ये 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो अलग अलग होते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। इसके आगे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका 6 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इससे ज्यादा NH3 को बाहर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा, जो इस कंपाउंड के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ इतने तक ये जाएगा। ये भी एक तरीके से आयोनाइजेशन का ही एक पार्ट है, स्पेशल केस है। बस आयोनाइजेशन में डिफरेंट आयन्स होते हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिया गया। इसके बाद था लिंकेज। लिंकेज का मतलब
बाद नेक्स्ट इसमें आता है आपका हाइड सॉल्वेशन में हमने वाटर मॉलिक्यूल अमोनिया लिया था। इसके बाद है लिंकेज का। लिंकेज का मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम से जो लाइगेंड्स अटैच होता है वो डोनर एटम डिफरेंट होगा। जैसे इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स यूज होते हैं, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में होता क्या है कि जो डोनर एटम होगा वो अलग होगा। जैसे यहाँ पे सी आर मेटल है, इसमें जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है NO2 के केस में, और जबकि जो दूसरा केस है आपका ONO, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। जो डोनर एटम है वो डिफरेंट होता है लेकिन लिगेंड सेम है, इसे कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डोनर एटम है वो डिफरेंट डोनर एटम अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो इसीलिए इसको कह दिया लिंकेज। जो लिंक होगा लिगेंड्स का सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट डोनर एटम लिंक करता है। तो इसके नेम में भी चेंज आ जाता है। इसके नेम में क्या आता है, जो डोनर एटम अटैच होता है उसी को हम उसके सामने लिख देते हैं। जैसे इसमें था नाइट्रो, इसको लिखेंगे नाइट्रो और एन लिख देंगे, यानी कि ये एन है जो ये सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड्स डोनेट करता है, बाकी एज इट इज है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसे कहेंगे ओ लिख देंगे। ओ का मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर या माइनस वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, एक और है यहाँ पे, इसका सिंपल नेम नाइट्रो होता है लेकिन अगर आपने एन और ओ नहीं लिखना है तो इसे कहते हैं नाइट्रीटो, नाइट्राइट्रो। नाइट्राइट्रो का मतलब क्या हो गया, ओ एनओ। अगर आपने स्पेशल नाम भी इसका यूज कर सकते हैं, ओ एनओ भी इसको कह सकते हैं। ऐसी सेम है दूसरा जो एग्जाम्पल आएगा इसका, सेकेंड एग्जाम्पल है थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो में क्या होगा, देखो यहाँ पे थायोसाइनेट और आइसोसायोथाइनेट, ये एस सी है। एक बार ये एस सी सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है तो इसे कहेंगे साइनेटो एस, साइनेटो एस। और जब ये एन से करेगा यानी एन सी एस, यहाँ इसका मतलब हुआ कि जो नाइट्रोजन है ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसे कहेंगे आइसोसाइनेटो या फिर थायो साइनेटो एन। अगर एन लगा दिया इसका मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, एस लगा दिया इसका मतलब ये साइनेट ग्रुप, थायोसाइनेट ग्रुप क्या कर रहा है, जो सल्फर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, उसे कहते हैं लिंकेज। इसके बाद जो फोर्थ वन था हमारे पास वो था कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जो स्पेयर्स होता है कैटायन और एनायन का वो डिफरेंट हो जाता है, कैटायन और एनायन का जो स्पेयर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक स्पेयर आपके पास ये वाला है और दूसरा स्पेयर ये वाला है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आयंस होते हैं लिंकेज इसमें इंटरचेंज कर देते हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सी आर के साथ NH3 था, सी ओ के साथ CN था, यहाँ पे अदला बदली कर दी, सी ओ के साथ NH3 चला गया और सी आर के साथ CN चला गया। अब जिसके साथ CN जाएगा उसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे -3, यहाँ पे +3, लगभग दोनों में बराबर चार्ज होता है इसीलिए न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पे भी इस कोबाल्ट का +3 हो जाएगा तो ये ओवरऑल -3, यहाँ पे ओवरऑल +3। इसमें दोनों को हम उसी तरीके से नेमिंग करते हैं, जैसे हेक्सा एमाइन क्रोमियम पहले वाले के केस में, फिर दूसरा हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, और दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो यहाँ पे हम 3 3 लिखेंगे। ऐसे इस केस में आ सकता है, इसमें हो जाएगा हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 और उसके बाद आगे आ जाएगा हेक्सा साइनो क्रोमेट, क्रोमेट हो जाएगा। 8 क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव वाला होता है उसके पीछे 8 लग जाता है और इसके आगे भी 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके नेमिंग होते हैं। तो ये पहला पॉइंट था हमारा, हम देख के कैसे पहचानेंगे, सबके अलग अलग वेराइटी है। अब सेकेंड इसमें आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब होता है कि जो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है,
लेकिन जो अरेंजमेंट होता है इसका, स्पेशियल अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट का होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस इज डिफरेंट। अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, जो स्पेस होता है उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस इज डिफरेंट, उसे कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। तो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं डिफरेंट, ये वाला भी इसको कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस इज डिफरेंट। इसकी डिफाइन लिख लो, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम हो गया, ठीक है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, या अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस इज डिफरेंट। इसको स्पेशल नहीं कहते, इसको ये वाला स्पेशल कहा जाता है। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब होता है स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी जो स्पेस में अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अरेंजमेंट जो होता है स्पेस का वो डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। अगर शॉर्ट में लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस इज डिफरेंट, ठीक है, इसे लिख लो। इसीलिए इसे कहते हैं स्टीरियो, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्टीरियो जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्पेस, यानी अब हम स्पेस में देखेंगे इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, उसके लिए वर्ड आता है स्टीरियो। स्टीरियो मीन्स होता है स्पेस, जो स्पेस होता है उसमें अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। Yes, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब जो स्पेस में अरेंजमेंट होगा एटम्स का वो डिफरेंट हो जाएगा, तो इसके लिए एक वर्ड आता है स्पेशियल अरेंजमेंट। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल क्या होता है, देखो ज्योमेट्रिकल में आता है सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसको ज्योमेट्रिकल को कहते हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल का एक और नाम है सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सिस किससे कहते हैं, देखो सिस का मतलब होता है सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि जो लिगेंड्स होते हैं वो सेम साइड होते हैं, उसे सिस कहते हैं। और ट्रांस का मतलब होता है सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई अपोजिट पोजिशन विद ईच अदर, एक दूसरे से अपोजिट पोजीशन में चले जाएंगे। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, पोजीशन में चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांस, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चले जाते हैं तो उसे कहते हैं सिस। तो पहले इसकी डिफाइन लिख लो, सिस क्या है और ट्रांस क्या है।
साइड है। अब देखो इसमें भी दो कैटेगरी में आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला आता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल और सेकंड इज स्क्वायर प्लेनर। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, इसके दो टाइप्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरीके से हो सकता है, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड सॉरी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल होता है, इसकी ज्योमेट्रिकल जनरली नहीं बनते। क्यों नहीं बनते इसके? क्योंकि इसमें जो जैसे हमने लिखा है कॉपर Cu, तो अब हमें पता नहीं चलेगा कौन सा किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हर एक के बीच में डिग्री कितनी होती है, 109 डिग्री होता है। टेट्राहेड्रल में हर एक के बीच में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये सब जगह सबके लिए सेम हो जाएगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सीसर कौन ट्रांस है, कौन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन एडजेसेंट पोजीशन में, कौन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो टेट्राहेड्रल होता है उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनता इन जनरल। ये सेट है। अब स्क्वायर प्लेनर में आते हम लोग। अब देखो स्क्वायर प्लेनर के टाइप्स होते हैं अलग अलग। स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है जिसमें सब में 90 डिग्री का एंगल होता है। कैसे बनता है? स्क्वायर टाइप का बनता है। अब इसके टाइप है, देखो पहला टाइप है, ये किसके टाइप आएंगे? स्क्वायर प्लेनर के टाइप हो जाएंगे। स्क्वायर प्लेनर का पहला टाइप क्या होगा? देखो स्क्वायर प्लेनर का पहला टाइप ये होगा कि मैंने लिखा ए टू बी टू। ठीक है, ए टू बी टू का मतलब क्या होगा कि जब दो ये सेम है, ये दो सेम है, तो इसे कैसे दिखाएंगे? देखो ये एम लिखा मैंने, अगर मैंने दोनों को सेम साइड लिख दिया, मैंने ए यहाँ पे भी लिख दिया और ए ये भी लिख दिया, दोनों एक साइड साथ हो गए, और बी को लिखा तो बी को सेम साइड लिख दिया, जैसे मैंने लिखा बी और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, बी, तो अब दोनों एक साइड हो गए, तो इसे कहेंगे सिस। और ट्रांस किसे बोलेंगे? ट्रांस कहेंगे हम लोग कि जैसे आपने क्या किया, इनको एडजेसेंट पोजीशन में नहीं रखना, मेन है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब जैसे ए ये रखा, तो अब इसके सामने ए नहीं आना चाहिए, यहाँ बी आना चाहिए, यहाँ बी और यहाँ पे ए, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, इसे कहेंगे ट्रांस। इसे लिख लो, तो ए टू का मतलब दो एक जैसे हैं, बी टू का मतलब दो एक जैसे। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर पहला है। स्क्वायर प्लेनर के पहला टाइप है जो वो आएगा आपका एम ए टू बी टू टाइप।
सेट है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं हम लोग, स्क्वायर प्लेनर में नीचे लिखा हुआ, जैसे ये आपका PTNS3। देखो इसमें क्या है, देखो एक दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे, तो इसी को हम कह सकते हैं। अब आप कैसे भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं आपने यही लगाना है। ये NS3, NS3 एडजेसेंट पोजिशन में हो गए, CL और CL एडजेसेंट पोजिशन में हो गए, ट्रांस में क्या होगा अपोजिट पोजिशन में हो जाएंगे, अपोजिट में, जैसे NS3 ये हो गया, NS3 ये हो गया, अपोजिट पोजिशन में हो गए, CL यहाँ हो गया, CL यहाँ पे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे के तो उसे कहेंगे ट्रांस, और अगर एक ही एडजेसेंट पोजीशन में होते हैं उसे कहते हैं सिस। ठीक है, तो सिस और ट्रांस का पहला जो टाइप है वो था आपका A2B2 टाइप, यानी दो सेम है, यहाँ पे कोई भी दो सेम हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दो सेम हो सकते हैं। तो अगर दो सेम रहेंगे तो हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। इसे कैसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे PT है यहाँ पे, NS3 है, और NS3 यहाँ पे भी दिखा सकते हो आप, ये भी आपका सिस में काउंट होगा अगर एडजेसेंट पोजीशन में है। तो जैसे CL यहाँ हो गया, इसके एडजेसेंट में CL ये हो गया, तो इसे कहेंगे सिस। ट्रांस का मतलब सिर्फ ये है कि एडजस्ट अपोजिट साइड होना चाहिए, आप कहीं पे भी इसे दिखा दो, आप यहाँ पे दिखा दो NS3, तो उसके अपोजिट में आपने NS3 दिखा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा। ये CL है, इसके अपोजिट में आपने CL दिखा दिया तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो सिस और ट्रांस का पहला टाइप समझ में आ गया, पहला टाइप। यस सर। इसको दिखा दो एग्जाम्पल। यस सर। अब देखो इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज, अब सेकंड टाइप है ये, देखो सेकंड टाइप है आपका MA2BC टाइप, यानी दो सेम होंगे और दो डिफरेंट होंगे। तो अब आपने सेम के बेस पे देखना है, देखो आपने किसके बेस पे देखना है, सेम के बेस पे। ठीक है, सेम के बेस पे कैसे, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स होने चाहिए जनरल। अब सेम के बेस पे कैसे, देखो इसमें सेम कौन है, NS3 सेम है, NS3 सेम है। तो अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो उसे कहेंगे ट्रांस, और अगर ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन में आ गए तो इसे कहेंगे सिस। यानी अब कौन डिसाइड करेगा सिस और ट्रांस को, ये वाला जो सेम ग्रुप है A2 टाइप, BC दोनों अलग अलग है, तो इससे हमको देख के पता नहीं चलेगा कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। लेकिन अब जो सेम वाला होगा, अगर दो सेम है और दो डिफरेंट है, तो जो सेम वाला है अगर ये एडजेसेंट पोजीशन में आ गए, एडजेसेंट में आ गए, इसे कहेंगे सिस। और अगर ये दोनों कैसे आ गए, अपोजिट में आ गए, सेम वाले अगर ये दोनों कहाँ चले गए, अपोजिट में चले गए, तो इसे कहेंगे ट्रांस। तो सेकेंड टाइप ये होता है, इसे कहते हैं A2BC टाइप, यानी दो सेम होंगे और दो डिफरेंट होंगे। ठीक है, अपोजिट और इसके एडजेसेंट से डिसाइड होगा कौन सिस और कौन ट्रांस है, इसे लिख लो सेकंड टाइप।
यस सर। अब इसके बाद आता है थर्ड टाइप, कि अगर चारों डिफरेंट होंगे फिर क्या होगा। अगर चारों के चारों डिफरेंट हो गए फिर क्या करेंगे आप। ठीक है, अगर इसमें अगर चारों के चारों डिफरेंट हो गए तो हम किसी भी एक एडजेसेंट पोजीशन पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें NS3 की पोजीशन को एक फिक्स कर दो, बस एक पोजीशन, ये वाली पोजीशन को आपने फिक्स कर दिया। अब इसको रोटेट करते रहो, लेकिन इसमें सिस और ट्रांस का पता नहीं चलेगा, बस हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता सकते हैं। अब देखो, पहले में PI यहाँ पे हो गया, NO2 यहाँ पे हो गया और Cl यहाँ पे हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी में देखो, ये दोनों कंडीशन सेम है और यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, इन दोनों को रोटेट कर दिया। तीसरी वाली कंडीशन में हमने क्या किया, इसको तो फिक्स रखा है, ठीक है, और किससे रोटेट करेंगे, ये यहाँ से हमने क्या किया, जो Cl है ये यहाँ से इधर चला गया, इस ये वाली पोजीशन को रोटेट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को रोटेट कर दिया Cl, यानी इसके तीन पॉसिबिलिटी बनती है, इसमें किसी भी एक को फिक्स कर दो तो इसका आंसर फिक्स है, 3 होता है। लेकिन इसमें आप सिस और ट्रांस नहीं बता सकते, क्योंकि सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप लाई इन सेम साइड एडजेसेंट साइज में, लेकिन यहाँ पे हम किसको बोलेंगे एडजेसेंट और किसे बोलेंगे ट्रांस, तो सिस और ट्रांस को हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ज्योमेट्रिकल के बेस पे हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओवरऑल यहाँ पे 3 काउंट हो सकते हैं, क्योंकि हम किसी एक के रिस्पेक्ट में हम इसको काउंट करते हैं इस केस में। तो ये थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप में अगर आता है कि कोई भी चारों आपको अलग अलग दे दिए तो हम क्या करेंगे, तो चारों अगर अलग अलग दिए हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3 है, इसे लिखें। यस सर। इसके बाद है सेकेंड टाइप वाला। अब इसमें डाइवेलेंट वाले आ गए। डाइवेलेंट का मतलब जिसका जो दो तरीके से कंबाइंड होंगे उसे कहते हैं डाइवेलेंट। डाइवेलेंट में आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसे कहते हैं AB2 टाइप। AB2 टाइप का मतलब ये अनसिमेट्रिकल होने चाहिए, सिमेट्रिकल वाले नहीं होने चाहिए। अनसिमेट्रिकल वाले अगर जनरली होते हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे ये है आपका ग्लिसरीन होता है, तो ये NH2, यहाँ पे CH2, COO-, तो इसके पास दो साइड है जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक कौन सा साइड है, NH2 साइड है, ठीक है, और दूसरा कौन सा साइड है, ऑक्सीजन का साइड है, यहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब होता क्या है, अब ये होता है कि इसमें से पहला, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये नीचे भी ऑक्सीजन है यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, यहाँ पे दोनों सेम यहाँ पे दोनों सेम, इसे कहेंगे सिस। अब हमने क्या किया, इसको अपोजिट कर दिया। अब देखो NH2 ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर था यहाँ नीचे भेज दिया, अपोजिट चले गए, ऑक्सीजन यहाँ ऊपर था इसको नीचे भेज दिया, यानी ये दोनों अपोजिट ये दोनों अपोजिट, जैसे ये अपोजिट में पहुंचेंगे इसे कहेंगे ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो यानी कि अगर डाइवेलेंट है तो डाइवेलेंट का मतलब एक के पास दो डोनर साइड होते हैं,
अब इस डोनर साइड में भी क्या होगा कि अगर दोनों के दोनों सेम एटम एक ही साइड से डोनेट कर रहे हैं तो उसे कहेंगे सिस, और अगर ये दोनों के दोनों जो सेम एटम है अगर ये अपोजिट साइड से डोनेट करते हैं इसे कहते हैं ट्रांस। ठीक है, तो ये आपका टाइप 4 हो गया। अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन आती है तो आपको इस तरीके से काउंट करना है सिस और ट्रांस का, इसे लिख लो। यस सर, डन। अब देखो एक और टाइप आता है आपका, ए ए बी सी डी टाइप। ए बी का मतलब जब ए बी लिखा रहता है ये अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट होता है, और सी डी का मतलब ये मोनोडेंटेट है दोनों के दोनों। तो इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, इसके भी दो बनते हैं। इसमें सिस और ट्रांस को हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें सिस और ट्रांस को डिसाइड कैसे कर सकते हैं, ये अनसिमेट्रिकल है तो ये आपका ये हो गया और ये दोनों डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो इसमें सिस और ट्रांस को डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसके बेस पे देखेंगे सिस और किसके बेस पे देखेंगे ट्रांस। सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप, और ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, और सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल का मतलब केवल हम ये बताएंगे कि ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, दो करता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन आएगा कि सिस और ट्रांस क्या होगा तो हमें सिस या ट्रांस का पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम किसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि ये सिस है या किसके बेस पे डिसाइड करेंगे ट्रांस है, तो सिस और ट्रांस का पता हमें यहाँ पे नहीं चलेगा। बस हम ये कह सकते हैं कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 होते हैं। ठीक है, तो ये टाइप 5 हो गया, इसे लिख लो एम ए बी सी डी टाइप।
तो अब फिर से रिज्वाइन कर लो, टाइम खत्म हो गया, रिज्वाइन कर लेना। ओके सर।